हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavaSurfriends। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म आपका 12 दिया गया है और लास्ट टर्म जो है वो है आपका 106 और ये आपका 29th टर्म है। ठीक है, तो एपी में 50 टर्म है टोटल और ये आपका थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म सिंपली क्या लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12 दिया गया है। और जो 50 टर्म है यानी कि A50 आपके पास दिया गया है, जो कि आपका है 106, तो ये आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, आपको सिंपली A29 फाइंड करना है। A29th टर्म जो है ये आपको फाइंड करना है, जो जो गिवन है उससे हम लोग निकालते हैं। A3 अगर आप निकालोगे तो सिंपली लिखोगे 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, 3 माइनस 1 करोगे n माइनस 1 तो 2d हो जाएगा, जो कि आपका इक्वेशन 1 है। उसके बाद 106 इज इक्वल टू लिख सकते हो a प्लस 49d, जो कि आपका इक्वेशन 2 है। अब यहां पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है, तो इक्वेशन 2 पहले लिखो, जो कि है 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d, और इक्वेशन 1 जो कि आपका 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। यहाँ पे सिंपली माइनस 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 करोगे, इसको इसको काट दोगे और 106 में से 12 अगर माइनस करोगे तो आपका 94 आ जाएगा और 49 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 47d आ जाएगा। और यहां से अगर आपको d फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47, तो d यहां से आपका 2 आ गया। ठीक है, अब देखो d आपके पास 2 है, अब आपको d को पुट करना है क्वेश्चन 1 में, तो सिंपली लिखो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। d इज इक्वल टू 2 पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो सिंपली 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, तो यहां से 12 सॉरी यहां पे सिंपली 12 लिखो, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4 और यहां से 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए हो जाएगा और यहां से आपका ए आ जाएगा 8, तो ए आपके पास आ गया। डी आपके पास गिवन है, आप सिंपली A29 टर्म फाइंड करो। A29 इज इक्वल टू लिख सकते हो ए प्लस 28d। ठीक है, ए आपके पास कितना है, ए आपके पास 8 है प्लस 28d आपके पास कितना है, डी आपने अभी फाइंड किया, डी आपके पास है देख सकते हो 2, 8 प्लस 28 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 56। ठीक है, 56 में 8 प्लस करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 64, यानी कि A29th जो टर्म है ये आपका 64 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।